वेलकम टू जामिया कोचिंग सेंटर। मैं हूं सफदर और आज के हम इस क्लास में जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट्स की कुछ बेसिक फीचर और राइट्स कितने तरह के होते हैं, राइट्स क्या है और राइट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज आज के हम इस क्लास में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोवाइड करता है वो दो तीन तरह के बेसिकली राइट्स होते हैं। राइट या तो लीगल होते हैं, या तो सोशल होते हैं, या तो एथिकल होते हैं। और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोवाइड करती है वो तीनों तरह की राइट हमें प्रोवाइड करती है। और ये जो फंडामेंटल राइट जिसे हम आज की इस क्लास में जानेंगे वो जो राइट्स हैं वो तीनों हैं, वो सोशल भी हैं, वो लीगल भी हैं और एथिकल प्रिंसिपल भी हैं। तो इस राइट्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोवाइड हमें करता है। तो ये जो राइट्स जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, ये राइट हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। ये राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फंडामेंटल चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूएसए से इसने अडॉप्ट किया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइए हम आपको कुछ बता दें कि सबसे पहले यूएसए जो है ये 1789 में यूएसए जो है वो फ्रीडम पाई। यूएसए यूनाइटेड किंगडम के हाथों जो है ये यूएसए पे जो है यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से 1789 में जब ये आज़ाद जब हुआ तो उस वक्त अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है अडॉप्ट बनाए थे। और वही फंडामेंटल राइट्स जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बने तो वही फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए के फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में जो है वो मेंशन है। और ये फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मेंशन किया गया है। यानी ये राइट्स जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बुक जब हम खोलेंगे तो आर्टिकल्स जहाँ पे जो है ये फुल आर्टिकल्स जो है यहाँ पे लिखे गए हैं तो उसमें कुल आर्टिकल जो लिखे गए हैं उसमें 12 से लेकर के जो 35 तक जो आर्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट हैं, जो आपके बेसिक राइट हैं, जो कि हर सिटीजन को मिलना जरूरी है। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ओरिजिनली जो है ये इनकी तादाद ओरिजिनली शुरू में जो है वो 7 थे, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। यानी इसे फंडामेंटल राइट्स पहले था, अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं रहा, अब ये लीगल राइट के तहत आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया है। तो अब जो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स हैं वो अब 6 रह गए। अच्छा, ये राइट्स जो हमें मिले गए हैं मिल रहे हैं इससे हमें क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके दिए जाने के पीछे जो है वो क्या वजह है, इस बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो ये राइट्स जो हमें जो दिए गए हैं वो सबसे पहले अगर स्टेट अगर आपको अगर एक्सप्लॉइट कर रही है तो उस एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए ये राइट हमें जो दिए गए हैं, ताकि स्टेट हमें जो है आपको जो है एक्सप्लॉइट ना कर सके, इसलिए हमें ये राइट दिए गए हैं। और अगर एक्सप्लॉइट अगर स्टेट अगर करता है तो स्टेट के एक्शन के ऊपर जो है यहाँ की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो एक्शन ले सके, ताकि आपकी जो राइट है वो बिल्कुल फ्रीली जो है वो आप एंजॉय कर सकें, इसलिए हमें ये राइट्स दिए गए हैं। ये राइट्स हमें इसलिए भी दिए गए हैं ताकि इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स का होना जरूरी था। अगर ये राइट्स ना होते तो हो सकता है कि इंडिविजुअल्स को जो है
किसी भी क्लास के बेस पे या तो बर्थ और प्लेस के बेस पे या फिर नस्ली भेदभाव के बेस पे उसे जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकता था, जो डिस्क्रिमिनेशन जो है इस राइट्स के दिए जाने की वजह से अब नहीं हो सकती। तो ये राइट्स जो है हमें इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट की खातिर जो है जरूरी था, जो हमें स्टेट प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये जो राइट जो है, इस राइट की प्रोटेक्शन के लिए हमें एक बेसिक आर्टिकल हमें दिया गया है, जो आर्टिकल 32 है। जो आर्टिकल 32 हमें ये बताता है कि अगर आपके राइट्स के अगर एक्सप्लॉइट कर अगर होता है तो आप जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 हमें ये छूट देता है। आर्टिकल 226 के जरिए हमें हाई कोर्ट जो है वो जारी की इजाजत है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपके राइट्स जो है वो एक्सप्लॉयट किए जा रहे हो, आपके राइट्स आपको नहीं दिए जा रहे हो, तो आप जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है हाई कोर्ट्स जो है वो जा सकते हैं और अपनी राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो जो सिविल राइट्स जो है, जो फंडामेंटल सिविल राइट्स जो है वो कौन कौन है, आइए सीक्वेंस के साथ हम देखते हैं। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन है। दूसरे नंबर पर है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में मेंशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो राइट्स है ये आर्टिकल 23 से 24 तक जो है वो मेंशन किया गया है। अगर हम 23 से 24 तक जो है वो मेंशन किया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो राइट्स है, ये जो आर्टिकल है वो 25 से 28 तक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन किया गया है। और राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया था इससे पहले, कि ये राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में 44वां अमेंडमेंट के जरिए जो है इसे अमेंड करके फंडामेंटल राइट से इसे हटा करके अब एक लीगल राइट के तहत आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया। और एक और जो राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो राइट है राइट्स हैं, इसके बारे में बाबा साहब जो कि फंडामेंटल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स है। ये राइट्स जो है हमें कुछ रिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ये आर्टिकल्स हमें कुछ रिट्स प्रोवाइड करते हैं, और उन रिट्स के जरिए और वो जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जारी करती है, और इनके जरिए जो है आपको आपके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, आपके ऊपर जो राइट्स जो आपको नहीं मिल रहे हैं, और अगर तू ही आप जो है इस आर्टिकल्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के जरिए जा सकते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के जरिए आप जा सकते हैं और अपने राइट्स की इन्फोर्समेंट आप करा सकते हैं। जानते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को हासिल है और फॉरेनर्स को हासिल नहीं है। कुछ ऐसे आर्टिकल, आइए हम उन आर्टिकल्स को डीपली जानते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 15 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडियन सिटीजन को ही सिर्फ हासिल है, वो किसी फॉरेनर को जो है फॉरेनर पे इस आर्टिकल का अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेट हो, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, या फिर कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, या फिर रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो, स्टेट जो है
किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये जो आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होता है, ये आर्टिकल फॉरेनर्स पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। तो ये आर्टिकल 15 था। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो ये भी आर्टिकल जो है सेम सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होता है, फॉरेनर पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी स्टेट जो अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड्स जो कर रहा है, जो पब्लिक अपॉर्चुनिटी जो स्टेट जो प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है इंडियन सिटीजन के लिए, न कि फॉरेनर के लिए। यानी स्टेट जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसके जो है वो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट जो उससे बेनिफिट जो मिलेगी वो डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगी, और वो और इससे जो है वो फॉरेनर जो है बिल्कुल भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पा सकते। तो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो बात है आर्टिकल 16 में जो कहा गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडियन सिटीजन पे अप्लीकेबल है, वो फॉरेनर पे बिल्कुल भी अप्लीकेबल जो है। ये फ्रीडम के बारे में बात करती है, आपकी बोलने की आज़ादी जो है, आपको जो है किसी जगह इकट्ठा होने की आज़ादी जो है, आपको कोई आपको किसी तरह का जो है कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जो आज़ादी है, ये सब जो आज़ादी जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया गया है, न कि फॉरेनर को दिया गया है। तो ये आर्टिकल 19 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, वो बिल्कुल भी फॉरेनर पे अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 29 पे अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के बारे में बताता है। तो ये जो आर्टिकल है वो इंडियन माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात करता है, ना कि वो फॉरेनर के माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात करता है। तो ये भी आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे अप्लीकेबल है, ना कि वो किसी फॉरेनर पे अप्लीकेबल है। आर्टिकल 30 ये भी जो है माइनॉरिटीज के लिए है। ये आर्टिकल 30 असल में ये कहता है कि माइनॉरिटीज जो है वो अपनी इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और इसके लिए जो है कोई कदम उठा सकते हैं जिससे अपने इंटरेस्ट को जो है वो बचाया जा सके, अपनी माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो किसी तरह के कल्चरल एजुकेशनल जो है वो डेवलपमेंट के बारे में आर्टिकल 30 बात करता है, और ये कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट जो होगा वो माइनॉरिटीज के अतबार से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम जो देता है वो कर सकता है। तो ये भी अप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे है, ये फॉरेनर के इंटरेस्ट की बात बिल्कुल भी नहीं करता, ये फॉरेनर के डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। तो अब हम जानते हैं लिमिटेशन ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी हम ये जानेंगे कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करती है तो वो कभी कभी किसी टाइम के लिए हो सकता है कि वो आपको वो फंडामेंटल राइट्स को आप इंजॉय ना कर सके, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए या आर्म्स फोर्स के जरिए या फिर पुलिस फोर्स के जरिए हो सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको आपके ऊपर जो है वो उसको वो फंडामेंटल राइट्स को आप इंजॉय ना कर सके इनके जरिए। तो आइए वो कौन कौन से आर्टिकल हम जानते हैं कि वो आखिर कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसके जरिए हमें लिमिटेशन फेस करना पड़ता है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के खातिर। तो आर्टिकल 33, ये आर्टिकल 33 हमें इस बात को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी जो है वो किसी वक्त भी जो है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, आर्म फोर्सेस के जरिए, पुलिस फोर्सेस के जरिए रिस्ट्रिक्शंस जो है फंडामेंटल राइट्स पे जो है किसी के लिए दे सकता है, वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट आपके फंडामेंटल राइट्स कर सकता है। आर्टिकल 34 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 34 ये हमें बताता है कि अगर आपके एरिया में अगर मार्शल लॉ अगर लागू है तो उस वक्त हो सकता है कि आपको वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंजॉय फुली तौर पे आप फ्रीली ना कर सके। और आर्टिकल 35 जो है वो यही है कि लेजिस्लेशन से अगर कोई बिल अगर पास कर दे तो हो सकता है कि इस बिल के वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स पे जो है कुछ इफेक्ट पड़े। तो आज जो है आज की इस क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरे तौर पे जाना, और हमें जो है इस क्लास में
सीक्वेंस के साथ तमाम आर्टिकल को हमने नहीं बताया, हम उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में हम इसके बारे में हम बताएंगे। और जो कुछ भी हमने इस क्लास में फंडामेंटल राइट के बारे में जो बताया, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरे तौर पे समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।